कहते हैं कि कुत्ते से वफादार और कोई जानवर नहीं होता। इसकी जीती जागती मिसाल बिहार के मधुबनी में देखने को मिली, जहां एक पालतू कुत्ते ने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कुत्ते की वफादारी के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। आदित्य को सुनाई दी सांप की फुंकार। घटना बुधवार देर रात की है। हार्डवेयर व्यवसायी आदित्य सिंह रात लगभग 10 बजे राटी स्थित अपने आवास के परिसर में बैठे हुए थे। बिजली जाने के कारण परिसर में अंधेरा था। उनके बगल में ही उनका पालतू कुत्ता चिंकी बैठा हुआ था। आदित्य को उसी दौरान फुंकार की आवाज सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी पर चारों तरफ देखने पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद फुंकार की आवाज और तेज हो गई। इस बार जब आदित्य ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा तो उनकी नजर 3 फीट दूरी पर एक जहरीले सांप पर पड़ी। सांप देखकर आदित्य का खून पानी हो गया और वह कुर्सी से लड़खड़ाकर गिर पड़े। सांप को देखते ही उस पर टूट पड़ा चिंकी। पास बैठे चिंकी ने जैसे ही सांप को देखा वह बेखौफ होकर उस पर टूट पड़ा। सांप ने कुत्ते को जकड़ लिया। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। इसके बाद आदित्य ने आवाज देकर अपनी पत्नी को बुलाया और डंडे से सांप और कुत्ते को छुड़ाने का प्रयास किया। चिंकी ने सांप को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह मर नहीं गया। इसके बाद चिंकी वह बैठकर हांफने लगा और देखते ही देखते चिंकी की सांसें थम गईं। आदित्य ने बताया कि चिंकी पिछले 4 सालों से उनके घर का सदस्य था। जब वह 4 माह का था तब उन्होंने एक मित्र से उसे लिया था। चिंकी को पूरे सम्मान के साथ आदित्य ने अपने मकान के परिसर में गड्ढा खोदकर दफना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।